भगवामय हुआ वसई विरार नाला सुपारा। आपको बता दें नाला सुपारा की अंबावड़ी में ऐतिहासिक दिव्य कावड़ यात्रा निकाली गई तुंगारेश्वर के लिए। संजय राउत का बीजेपी पर तंज, मुगलों के गुलाम आज हमें हिंदुत्व का पाठ पढ़ा रहे हैं। भारत में दो तरह के हिंदू हैं, एक नौरंगिया हिंदू हैं जो नागपुर से एफिलिएटेड हैं और दूसरे भारतीय हिंदू हैं, हम भारतीय हिंदू हैं, राकेश टिकैत। डीजीपी ममता सिंह की विश्व हिंदू परिषद को चेतावनी, नूह में यात्रा की इजाजत नहीं, हिंसा की तो कोई बख्शा नहीं जाएगा। सुन ले सरकार, अगर नूह में विश्व हिंदू परिषद ने यात्रा निकाली तो हम किसान भी लाखों लोगों के साथ ट्रैक्टर लेकर आएंगे, राकेश टिकैत की चेतावनी। संसद से प्रस्ताव पास करके चांद को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और वहां भव्य मंदिर बनाया जाए, स्वामी चक्रपाणि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अडानी को स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट देकर चंद्रमा पर फ्लैट्स बनवाएंगे और वहां मुसलमानों को एंट्री नहीं मिलेगी, महुआ मोहित्रा का बड़ा बयान। यूपी से नौकरी पाने बिहार पहुंचे अभ्यर्थियों ने बताया कि मंदिर मस्जिद बुलडोजर से नौकरी नहीं मिलती, तेजस्वी यादव। भाजपा को वोट देना मतलब छत्तीसगढ़ अडानी को सौंप देना, भूपेश बघेल। चंद्रयान 3 के लैंडिंग पॉइंट का नाम विक्रम साराभाई और अब्दुल कलाम के नाम पर होना चाहिए, शिव शक्ति नाम रखकर मोदी ने वैज्ञानिकों का अपमान किया, स्वामी प्रसाद मौर्य। 2024 में इसरो का इस्तेमाल करेगी भाजपा, उनके मून मिशन को अपना कैंपेन टूल बनाएगी, महुआ मोहित्रा सांसद। 1947 में देश में साक्षरता दर केवल 18% थी, लेकिन हमने इसे 74% तक किया, उसमें मोदी शाह केसीआर सब शिक्षित हुए, मल्लिकार्जुन खड़गे। सुना अनुराग गोली मारो ठाकुर सूर्य पर जाने वाले हैं, बिल्कुल जाना चाहिए, सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस। उद्धव को भी सीएम बनने का मौका मिला था, उन्होंने 2.5 साल सरकार चलाई लेकिन देवेंद्र फडणवीस की बराबरी नहीं कर पाए, उद्धव ठाकरे सोने के चम्मच से जूस पीकर बड़े हुए, चंद्रशेखर बावनकुले। चुनाव के लिए बीजेपी ने सारे हेलीकॉप्टर बुक करा लिए हैं, दिसंबर में हो सकते हैं चुनाव, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बड़ा बयान। अगले 5 साल तक रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और MD रहेंगे मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज की 6वीं AGM ने लिया निर्णय।